कोटा जिले के मध्य प्रदेश पुलिस के एक पुलिसकर्मी की पत्नी की दबंगई सामने आई है। आरोप है कि टोल प्लाजा पर टोल मांगने से खफा हुई पुलिसकर्मी की पत्नी ने टोल पर जमकर तोड़फोड़ की। उसकी ये हरकत टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। वही पुलिसकर्मी ने आरोप लगाया है कि मारपीट टोल कर्मियों ने की और उसकी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों को थाने में बुलवा कर मामले की तह में जाने की कोशिश कर रही है। इस संबंध में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बताया गया है कि मध्य प्रदेश पुलिस का हेड कांस्टेबल सुमन अपनी पत्नी के साथ मध्य प्रदेश जा रहा था। टोल कर्मियों ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मी की कार को रोककर टोल मांगा गया था। इस पर हेड कांस्टेबल और उसकी पत्नी ने अपना रौब दिखाया, लेकिन जब टोल कर्मियों ने बिना टोल टैक्स दिए कार को निकलने नहीं दिया तो पुलिसकर्मी की पत्नी को गुस्सा आ गया। उसने कार में ही रखे डंडे को निकाल कर टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इससे टोलकर्मी सकते में आ गए। वहीं गुस्साई पुलिसकर्मी की पत्नी तोड़फोड़ करती रही। इस पर टोलकर्मियों ने उसके और उसके पति के साथ मारपीट की। इस पूरे मामले में हेड कांस्टेबल की पत्नी ने आरोप लगाया है कि वो टोल पर डिजिटल पेमेंट कर रहे थे, लेकिन टोलकर्मियों ने नकद भुगतान की जिद की। न्यूज डेस्क।